नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं आपकी बात, मैं हूं पुनीत पाठक। हमारी आज की खास पेशकश है नेता तुम ही हो कल के। ठीक समझ रहे हैं आप, हम छात्रों की बात कर रहे हैं जो नेता बनने की राह के ऊपर पहला कदम बढ़ा रहे हैं। 5 साल के बाद प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की तैयारी है, चुनाव के लिए तैयार है मध्य प्रदेश। चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और अब करीब 500 सरकारी कॉलेज अपने प्रतिनिधियों का चयन करेंगे। छात्र संघ चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि इसी के जरिए देश में युवा डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सीधे तौर पर जुड़ते हैं। हम आज आपको तमाम युवा छात्र नेताओं से सीधे मिलवाने वाले हैं, सीधे रूबरू कराने वाले हैं, सुनेंगे उनकी बात, सुनेंगे उनके विचार। लेकिन उसके पहले इन सारे हालात पर एक रिपोर्ट देखते हैं। मध्य प्रदेश में बरसों बाद छात्र संघ चुनाव, कॉलेजों में चुनावी शोरगुल, किन मुद्दों को लेकर कैंपेनिंग? कॉलेज कैंपस अब चुनावी कुरुक्षेत्र में तब्दील हो जाएंगे और तमाम छात्र किताबी दुनिया से निकलकर जमहूरियत का ककहरा सीखेंगे। सोमवार सुबह 11 बजते ही शासन ने छात्र संघ चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी। 5 साल बाद प्रदेश में छात्र संघों के चुनाव हो रहे हैं। मतदाता छात्र अपने कक्षा प्रतिनिधियों को सीधे चुनेंगे, जबकि चुने हुए कक्षा प्रतिनिधि यानी सीआर छात्र संघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और सह सचिव का चुनाव करेंगे। आचार संहिता लगते ही प्रदेश के करीब 500 सरकारी कॉलेजों में बाहरी छात्रों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया। एक तरफ चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई तो दूसरी ओर आचार संहिता के नियम और निजी कॉलेजों में चुनाव कराने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने अदालत का दरवाजा खटखटाने का ऐलान किया। वहीं एबीवीपी का दावा है कि उसने चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। मध्य प्रदेश में प्राइवेट कॉलेजेस में भी छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। भला ऐसी कौन सी बात हो गई है कि प्राइवेट कॉलेज के छात्रों को वो अधिकार नहीं है जो सरकारी कॉलेज के छात्रों को अधिकार है। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने कोर्ट जाने की भी तैयारी करी है। विद्यार्थी परिषद की जीत के लिए हम निश्चित ही पूर्णतः आश्वस्त हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है 30 तारीख को जब शाम को परिणाम आएगा तो विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश में थम्पिंग मेजोरिटी के साथ छात्रों का विश्वास प्राप्त करेगी और जीत कराएगी। कॉलेज चुनाव इसलिए अहम है क्योंकि ये छात्रों की डेमोक्रेसी से सीधे परिचय का मौका है और इतिहास गवाह है कि देश के कई नामी नेता छात्र राजनीति से उभर कर सामने आए हैं। इस बार प्रदेश के कॉलेज छात्रों में इस चुनाव को लेकर जबरदस्त उत्साह है क्योंकि 2011-12 के बाद छात्र संघ चुनाव प्रदेश में हुए ही नहीं। 500 कॉलेजों के चुनाव के साथ कांग्रेस और बीजेपी की साख भी जुड़ी हुई है क्योंकि इसके नतीजे ये बताएंगे कि आखिर प्रदेश के युवाओं का रुझान किस दल की तरफ ज्यादा है। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। तो नेता तुम्हें हो कल के, इसमें हम कल के नेताओं को जो चुनाव की दहलीज से पॉलिटिक्स को समझेंगे, पॉलिटिक्स में कदम रखेंगे। हो सकता है कि इनमें से कई सारे नेता आपको आने वाले भविष्य के बड़े नेताओं के तौर के पर दिख सकते हैं या आगे नजर आ सकते हैं। सीधे इन्हीं का रुख करते हैं, सीधे इन्हीं से बात करते हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि इनके मन में क्या मुद्दे हैं, कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर वो चुनाव तक जा रहे हैं या जिनको लेकर वो अपने प्रतिनिधि का चयन करेंगे। सीधे आपको भोपाल लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया के पास। सुधीर के साथ में ये कल के नेता, ये युवा नेता मौजूद हैं। ओवर टू यू सुधीर। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। अगर बात किया है तो कहीं ना कहीं छात्र जो राजनीति है उसको राजनीति की नर्सरी कहा जाता है और इस नर्सरी ने मध्य प्रदेश के अंदर खासकर बात किया है तो बड़े बड़े राजनेताओं को कहीं ना कहीं दिया है। अगर बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की या फिर प्रदेश के जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है दीपक जोशी, ये सभी छात्र राजनीति से आए। वहीं पर कांग्रेस की ओर से अगर बात करें तो सुरेश पचौरी जैसे कद्दावर नेता या फिर बात की जाए मुकेश नायक जो कि कांग्रेस के सीनियर विधायक है, वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में छात्र राजनीति की देन रहे हैं। मध्य प्रदेश की 6 साल बाद छात्र संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं, इसको लेकर खासा उत्साह जो है छात्र संगठनों में, छात्रों के बीच में। हालांकि चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जरूर नाराजगी थोड़ी बहुत यहां पर जताई जा रही है। प्रदेश के लगभग 500 से ज्यादा ऐसे कॉलेज हैं जहां पर छात्र संगठन के चुनाव होने वाले हैं। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक लंबा चौड़ा पैनल यहां पर मौजूद है। एबीवीपी और एनएसयूआई के पदाधिकारी मौजूद है यहां पर। विवेक त्रिपाठी है, एनएसयूआई के प्रदेश प्रवक्ता आशुतोष चौकसे हैं, एनएसयूआई के नेता है यहां पर। इसके अलावा अंकित की बात किया तो अंकित गर्ग एबीवीपी से, अजय पाटीदार हैं। ये तमाम लोगों की टीम से हम चर्चा करेंगे, छात्रों से अगले आधे घंटे तक रूबरू होंगे कि आखिर क्या कुछ छात्र संगठन के चुनाव के दौरान छात्र चाहते हैं और कॉलेज के अंदर कैसा स्तर और ये चाहते हैं। विवेक, सबसे पहले अगर बात करें, लंबे समय बाद चुनाव हो रहे हैं, वोट आपको करना है छात्रों को, क्यों वोट किया जाए?
देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने छात्रों को धोखा देने का काम किया है। मध्य प्रदेश के छात्रों की मांग थी प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराए जाने की, और सरकार ने घोषणा भी प्रत्यक्ष प्रणाली से करी थी, परंतु सरकार ने अपनी घोषणा से पलटते हुए छात्रों को धोखा देने का मध्य प्रदेश में काम किया है। अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव सम्पन्न कराए जा रहे हैं, और जो उनके नियम भी बने हैं इतने जटिल हैं कि इसमें कहीं ना कहीं आम छात्र पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं एक छात्रों का अधिकार छीनने का काम मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार कर रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर एनएसयूआई एबीवीपी हम देख रहे हैं लंबे समय से आप लोगों को सड़क पर, दोनों ही कम से कम प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चाहते थे। अंकित, बातचीत हुई थी आप लोगों की, मंत्री से आश्वासन मिला था लगभग एक साल पहले जब भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम के पास में आप लोगों ने प्रदर्शन किया था, क्यों प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव नहीं हो पाया, क्या जवाब आपको मिला वहां से? देखिए, इसका उत्तर तो सरकार देगी। हालांकि माननीय मंत्री जी ने मुझे आंदोलन का, चूंकि मैं वहां का मुझे प्रभार था तो मुझे याद है, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि छात्राओं की मंशा के अनुरूप अगले सत्र से छात्र संघ चुनाव होंगे, मगर मंशा तो स्पष्ट है कि हम छात्र संघ चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से चाहते हैं। अब इसका उत्तर ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका उत्तर तो मुझे लगता है माननीय उच्च शिक्षा मंत्री देंगे तो ज्यादा बेहतर हुआ। नहीं, पर लेकिन विरोध जिस तरीके से एनएसयूआई कर रही है, क्यों आज क्यों एबीवीपी क्यों उस पूरे मुद्दे पर मौन है? प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव है, आप बहिष्कार कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्या आपने बात रखी अपनी? देखिए, विद्यार्थी परिषद लंबे समय से छात्र संघ चुनाव की मांग कर रही थी, और सरकार ने काफ़ी लंबे समय बाद छात्र संघ चुनाव की घोषणा विद्यार्थी परिषद के द्वारा लगातार आंदोलन प्रदर्शन के देखते हुए उन्होंने घोषणा की, तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत मानते हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव एक लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में हो रहा है। बिल्कुल, ये लंबी जीत है, कम से कम 6 साल के बाद में छात्र संघ के चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। हालांकि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव जो है वो सीआर के कैंडिडेट के लिए किए जाएंगे, और उसके बाद में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और जो सह सचिव है वो कहीं ना कहीं सीआर चुनेंगे। आज तो लंबे समय बाद चुनाव, इस बात की तो खुशी होनी चाहिए, क्यों हर बात का विरोध? देखिए, खुशी तो इस बात की है, लेकिन जिस प्रणाली से इस प्रदेश का छात्र छात्र संघ चुनाव कराना चाहता था, सभी छात्र संगठन मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने घबराकर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने को नकार दिया है, और अप्रत्यक्ष तरीके से छात्र संघ चुनाव कराए जा रहे हैं जिसमें छात्र रुचि नहीं ले रहे हैं। अच्छा, तैयारी की अगर बात करें विवेक, तो क्या तैयारी? बिल्कुल एनएसयूआई तैयार है मैदान में उतरने के लिए, क्योंकि अब तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, अधिसूचना जारी हो गई है, क्या तैयारी एनएसयूआई की? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, मध्य प्रदेश में छात्रों के बीच में काफ़ी उत्साह था घोषणा के बाद की, काफ़ी सालों बाद मध्य प्रदेश के छात्रों को उनका अधिकार मिल रहा था, परंतु जिस तरीके से ये चुनाव की प्रक्रिया लागू हुई है और जिस दिन से नियम बार बार बदले जा रहे हैं, नियमों में बार बार संशोधन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आरएसएस के इशारे पर पूरे चुनाव प्रक्रिया को दूषित करने का और विलम्ब से कराने का प्रयास सरकार कर रही है। परंतु मध्य प्रदेश के छात्रों में उत्साह है, वो अपने अधिकारों का उपयोग करके कहीं ना कहीं अपने ही बीच में नए छात्र निकल के आएंगे, और नई छात्र राजनीति को, छात्र राजनीति की जो नर्सरी कही जाती है छात्र संघ चुनाव, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश की राजनीति में भी आगामी आप फायदे देख सकते हैं। नए लीडर्स को डेवलप होने का मौका मिलेगा, अपनी बात अच्छे से रखने का मौका मिलेगा, और एक सेतु की तरह काम करेगा मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव सरकार और छात्रों के बीच में। निश्चित ही इससे कहीं ना कहीं छात्रों को फायदा ही होना है। बिल्कुल, एक सबसे बड़ा सवाल यह कि छात्रों का फायदा हो, कम से कम छात्र संघ चुनाव इसीलिए कराए जाते हैं। राजनीति अपनी जगह पर हो सकती है, सियासत अपनी जगह पर हो सकती है, सियासतदान जरूर इन चुनावों से निकल कर आ सकते हैं, पर लेकिन अरुण, जहां तक बात की है छात्रों के हितों की, तो क्या कुछ एबीवीपी अपना एजेंडा, कुछ घोषणा पत्र आप लोगों ने तैयार किया होगा, क्या खास इस बार छात्रों के हितों को लेकर एबीवीपी करने वाली है? देखिए, एबीवीपी हमेशा छात्रों के लिए काम करती रही है। इस बार हमने भी, जैसा बहुत सारे कॉलेजों में हमने प्रवास किया, वहाँ पे लाइब्रेरी नहीं मिलती छात्रों को, बुक इशू नहीं होते, बहुत सारे ऐसा आज तक लाइब्रेरी में बुक की कमी है, तो जन भागीदारी के माध्यम से प्रिंसिपल कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बुक इशू नहीं करवा पा रहे हैं, तो हमारी लाइब्रेरी भी एक मेन मुद्दा है। और छात्रों के बीच में जो कॉलेज में महाविद्यालय जो अनेक समस्या है, जैसे कि कॉलेज, अभी हमने MBM कॉलेज देखा, ऐसा लगता है जैसे 1857 का लग रहा है बनने में, बहुत पुराना लगता है। हमारा एक विषय था, मुद्दा उठाया था, हमने सर से बात करी थी, भाई कॉलेज की रिपेयरिंग होनी चाहिए, लगना चाहिए कहाँ कॉलेज है। उसके बाद में जो छात्रों को सुरक्षा नहीं मिल पाती है कॉलेज के अंदर, हर कोई आ जाता है डरा कर। एक बड़ा सवाल है कि अगर लीडरशिप होगी तो स्वाभाविक बात है कि छात्रों की बात कम से कम एक चेहरा जरूर उनकी बात को रखने को लेकर। BU के अंदर आप लगातार सक्रिय हैं, एबीवीपी के लिए काम कर रहे हैं, कई बार हम सुनते हैं BU की जो एक छवि होनी चाहिए, क्योंकि भोपाल के अंदर यूनिवर्सिटी है और राजधानी के अंदर जिस तरीके से यूनिवर्सिटी है, क्या लगता है कि छात्र संघ चुनाव के बाद में वहाँ पर कुछ सुधार की गुंजाइश रहेगी और सुनवाई वाकई में छात्रों के हितों की होगी? जी बिल्कुल, BU के अंदर हम जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU की बात करते हैं, वहाँ पे जो आज की तारीख में जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ये यूनिवर्सिटीज़ फेमस हैं, वो इसीलिए हैं क्योंकि वहाँ रेगुलरली छात्र संघ चुनाव होते हैं, और इसीलिए जो 6 साल के बाद आज बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में भी छात्र संघ चुनाव हैं, उससे हमें ये लगता है कि इसके बाद जो एक रेगुलरिटी आएगी चुनावों में, उससे छात्रों की बात एकदम के साथ और छात्र जो हैं वो अपनी बातें प्रशासन के सामने और अच्छे से और तरीके से रख पाएंगे और उनकी बात अच्छे से सुनी जाएगी।
कुल मिलाकर अगर बात करें तो कॉलेजों का माहौल बेहतर हो, शिक्षा का माहौल बेहतर हो और अच्छी एजुकेशन कम से कम छात्रों को मिले, ये एक सबसे बड़ा अहम पहलू है छात्र राजनीति को लेकर। क्योंकि अगर छात्र संघ के चुनाव होते हैं तो कम से कम जो पदाधिकारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो छात्रों की बात को प्रबंधन तक पहुँचा सकते हैं। हमारे साथ में स्टूडेंट है बड़ी संख्या में, लंबे एक काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। क्या लगता है कि क्या फ़ायदा है छात्रों का, एक आम छात्र जो है कॉलेज के अंदर पढ़ने के लिए आता है, इस छात्र संगठन चुनाव के बाद में उसका फ़ायदा होने वाला है? देखिए, जिस तरीके से हर कार्य में आज छात्र हर क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीति भी एक क्षेत्र है जिसमें छात्रों का इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ नियमित रूप से होना चाहिए, क्योंकि अगर छात्र अपनी बात को नहीं रख पा रहा है और प्रशासन कहीं ना कहीं छात्रों की समस्याओं को सुनने में असमर्थ है, तो छात्र संघ चुनाव एक बहुत अच्छा जरिया है कि छात्रों की बात ऊपर तक पहुंच सके। और मैं तो इसको बहुत बढ़िया मानता हूं कि अगर छात्र प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होते हैं तो और अच्छी बात है। बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो, कम से कम छात्र को सीधा अपना नेता चुनने का मौका मिले। पर लेकिन नेता जिसको आप चुनेंगे, क्या खासियत, क्या देखना चाहते हैं उसके अंदर कि किस तरीके से आपकी बात को रखे और कैसी क्वालिटी हो उसके अंदर? मेरे हिसाब से नेता में ये क्वालिटी तो होनी चाहिए, वो सबसे पहले स्टूडेंट्स की बात सुने, ऐसा नहीं हो कि वो अपनी अपनी चलाए, संघ से जुड़ा रहे, संघ के भले के लिए काम करे, छात्रों के हितों के लिए काम करे। अगर वो ऐसा नेता अगर हमारे कॉलेज से बाहर आता है, वो छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा और हमारे महाविद्यालय के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, महाविद्यालय के लिए अच्छा रहेगा अगर कोई अच्छा नेता चुनकर आता है। पर लेकिन कॉलेज की समस्याओं की अगर बात करें, आप पढ़ रहे हैं अभी, कॉलेज के अंदर क्या स्थिति देखते हैं और क्या लगता है कि जब ये चुनाव संपन्न होंगे तो क्या वाकई में छात्रों की बात सुनी जाएगी? सर, अगर चुनाव संपन्न होते हैं तो इससे जो छात्र आगे नहीं निकल पा रहे हैं, जिनकी बात कॉलेज में रखी, अभी कहाँ दिक्कत आ रही है कॉलेज के अंदर, क्या समस्या है जो सुनवाई छात्रों की नहीं हो पाती है, प्रबंधन नहीं सुनता हो, या क्या दिक्कत है जिनको लेकर आप चाहते हैं कि एक चुनाव हो और उसके बाद में कम से कम आपकी सुनवाई हो? सर, छात्रों को जो चुनाव के संघ से मतलब, जैसे सर हमारा जो छात्र है, हमने नेता चुना है, नेता आगे है, तो छात्र सर अपने नेताओं से सर वो अपनी बात रख सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। जो कॉलेज में बात सुनवाई नहीं हो पा रही है, कॉलेज में जो उनका पक्ष नहीं रखा जा रहा है, तो हम नेता के जरिए वो अपनी बात आगे पहुंचा सकते हैं और छात्रों को इसका मौका मिला जाएगा। बिल्कुल, मौका मिला जाएगा अगर नेता चुना जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर कहने के हो तो 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हैं, पर लेकिन शिक्षा के स्तर की अगर बात की जाए तो क्वालिटी बेस्ड जो एजुकेशन है उसको लेकर मध्य प्रदेश हमेशा कटघरे में खड़ा होता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जब छात्र संघ के चुनाव होंगे तो जो जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे, क्या लगता है कि बेहतर शिक्षा की बात वो करें, आपको अच्छी एजुकेशन मिले खासकर सरकारी कॉलेजों में? क्या सर, चुनाव जब होंगे तो आपका कैसा नेता चाहिए आपके, जो कॉलेज में अच्छी एजुकेशन की बात करें, नियमित रेगुलर कम से कम पीरियड लगे, ये प्रबंधन के साथ में चर्चा की जाए, ये ऐसी कुछ मांग रखते हैं कोई जिसको वोट देने वाले? जी, ये मांग रखते हैं कि जैसे छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो हम पहले बोलना चाहेंगे कि NSY बहुत लंबे समय से मांग कर रही है कि छात्र संघ जो चुनाव हो प्रत्यक्ष प्रणाली से हो, पर यहाँ छात्र संघ चुनाव जो प्रत्यक्ष प्रणाली से नहीं हो रहा है, अप्रत्यक्ष से हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी कॉलेज कैंपस में जो भी मुद्दे हैं, जैसे कि लाइब्रेरी का हो गया, चाहे स्टूडेंट के जैसे फी लेट फी लग जाते हैं, चाहे शॉर्ट अटेंडेंस के लग जाते हैं, चाहे इसके शॉर्ट अटेंडेंस के हो गया, चाहे लेट फी फाइन लग जाते हैं, तो ये सब मुद्दा मतलब NSY भी उठाएगी और जीतेगी। तो बिल्कुल, एक 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 काफ़ी बड़ा मुद्दा है। मैं एक छोटा सा सवाल आपसे जरूर चाहेंगे, आप क्या चाहते हैं जिसको वोट करने वाले हैं, आप कैसा हो आपका लीडर? अच्छा होना चाहिए और मतलब छात्रों का अपना वो करे, मतलब क्या बताएं, मतलब इज्जत करे और उसका सपोर्ट करे, जो उसको मतलब आगे बढ़ने में सहायता करे। जी, हम इसलिए बात कर रहे हैं नेता तुम्हें कल के, क्योंकि प्रदेश के अंदर आज जो नेता हैं, चाहे देश के नेताओं की बात की जाए, कई ऐसे नेता जो छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं और कहीं ना कहीं नेतृत्व जो है देश को और प्रदेश को उन्होंने काफ़ी अच्छा नेतृत्व दिया है। पर लेकिन क्या छात्र संगठन या फिर छात्र राजनीति केवल राजनीति में एक प्रवेश का द्वार है या वाकई में छात्रों के लिए काम करने का एक पूरा माध्यम है? अंकित है हमारे साथ में। अंकित, राजनीति की तमाम बातें होती हैं, छात्र राजनीति की बात है, संगठन के चुनाव की बात की है, नेतृत्व की सब लोगों ने बात की कि अच्छा नेतृत्व जो है वो चुनाव से निकल कर आता है, क्या राजनीति में प्रवेश द्वार छात्र राजनीति को माना जाए या फिर छात्रों के हित को लेकर ये चुनाव कराए जा रहे हैं? देखिए, छात्र संघ चुनाव से दोनों ही आपने जो विषय उठाए दोनों की पूर्ति होती है। वर्तमान लीडरशिप अगर आप मध्य प्रदेश की देखेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की क्यों ना हो, और संगठन में भी जो लोग प्रमुख भूमिका में काम कर रहे हैं, वो सभी छात्र राजनीति से निकल कर आए हैं, अपने अपने समय में सबने परिसर में राजनीति की है। अब रही बात दूसरी बात जो आप कह रहे हैं व्यवस्था सुधार की, तो निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने से जो कैंपस की डे टू डे की समस्या है, जो पॉलिसी लेवल पर समस्या है, उस बात को एक वॉइस मिलेगी। सरकार इस बात को जानती भी है
प्राथमिकता में क्या क्या राजनीति में आना प्राथमिकता है या छात्रों की सेवा करना प्राथमिकता? देखिए ये तो एक ऐसा प्रश्न है जिस पर डिबेट 2-4 घंटे की जा सकती है, लेकिन मैं दोनों ही विषय को महत्वपूर्ण मानता हूँ। कल की लीडरशिप भी आवश्यक है देश के लिए, और साथ ही साथ वर्तमान परिस्थितियों में जो कुरीतियां हैं उनको सुधारने के लिए भी आवश्यक है। बिल्कुल, लीडरशिप बाकी में देश में बड़ी लीडरशिप छात्र राजनीति से निकल कर आई है, चाहे नीतीश कुमार की बात की जाए, लालू प्रसाद यादव हो, शरद यादव हो। जेपी आंदोलन के दौरान जो बात की जाती थी कि कहीं ना कहीं छात्र जो राजनीति थी उसी ने पूरे जेपी आंदोलन को सफल बनाया था, लेकिन आज तो राजनीति पहले या छात्रों की सेवा पहले, किस लिए चुनाव का मध्य मेहनत बनाने जा रही है? देखिए वर्तमान परिस्थितियों में तो कहीं ना कहीं छात्रों के लिए और छात्रों के हितों के लिए छात्र संघ चुनाव बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से मौजूदा सरकार की छात्रों के प्रति और शिक्षा नीतियां जो चल रही हैं, मौजूदा स्थिति में वर्तमान में छात्र नेता होना बहुत जरूरी है, और छात्र नेता जब होगा तो एक सेतु का काम करेगा जो सरकार प्रशासन और छात्रों की समस्याओं के बीच में काम करेगा। हाँ, हालांकि ये बात भी है कि एक अच्छा भविष्य, अच्छा नेता भविष्य का यहाँ से छात्र राजनीति से आ सकता है, और देश के कई लीडर हैं, बहुत अच्छे अच्छे लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं जो छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। बिल्कुल, उम्मीद हम ये भी करेंगे कि इन चुनावों के बाद में प्रदेश को भी अच्छा नेतृत्व मिले, देश को भी अच्छा नेतृत्व मिले, पर लेकिन उससे पहले चुनाव जिस उद्देश्य के लिए कराए जा रहे हैं कि छात्रों की समस्याओं को, उन समस्याओं के बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे। क्या लगता है कि कॉलेज के अंदर क्या कुछ और सुधार होने चाहिए इन चुनावों के माध्यम से? मेरा मानना यह है कि कॉलेज के अंदर मैं चाहूँगा, अगर मेरी तरफ से कोई आता है तो भैया मैं चाहूँगा उसको ये होना चाहिए कि कॉलेज के अंदर, हर कॉलेज के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल होना चाहिए, ताकि जो आजकल विवाद होते हैं कॉलेज में वो संभल सकें, और हर कॉलेज में साफ़ पानी की व्यवस्था एवं हर कमरे में, जैसे कि बहुत से सरकारी कॉलेजेस ऐसे हैं जिसमें जर्जर अवस्था में, तो जर्जर अवस्था का भी वो छात्र नेता जो रहेगा उस जर्जर अवस्था का भी सुधार करवाएगा। हर कॉलेज में पंखे, हर कॉलेज में साफ़ पानी पीने की व्यवस्था एवं हर कॉलेज में एक पुलिस कांस्टेबल की तैनाती। बिल्कुल, ये एक बुनियादी सवाल है कि छात्रों की सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। आप कोई सुझाव या सवाल कुछ कहना चाह रहे हो? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि यानी जो भी छात्र हमारा लीडर बनेगा वो हमारी हर समस्या को प्रबंधन तक पहुँचाएगा। जब प्रबंधन तक पहुँचेगी हमारी बातें तो हमारी समस्याओं का सॉल्व होगा, क्योंकि अभी तक हमारी समस्याएं सॉल्व ही नहीं होती हैं, नीचे की नीचे खत्म कर दी जाती है। एक सबसे बड़ी समस्या है स्टूडेंट की कि प्रबंधन सुनता नहीं है, सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। क्या सुझाव आप चाहते हैं या क्या कुछ कहना चाहते हैं अपने कॉलेज में बेहतरी को लेकर? जी बस यही सुझाव है कि आगे चल के सभी से पूछा जाए, छात्रों से पूछा जाए कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उन सब पे बैठ के चर्चा होए और उस सब को अपन आगे चल के फिर। बिल्कुल, पॉलिसी अगर बनती है तो कहीं ना कहीं छात्र उसमें जरूर शामिल हो, पर लेकिन क्या इन मुद्दों को लेकर जो मुख्य जो छात्र संगठन है मध्य प्रदेश के ABBP NSUI वो काम कर रहे हैं, कोई अजय मैनिफेस्टो तैयार किया हो कि छात्रों को लेकर क्या कुछ करना है और कॉलेज के अंदर बेहतरी हो? क्या बुनियादी सुविधाएं या बुनियादी छात्रों की जरूरत है उसको लेकर ABBP करने वाली है? कुछ 4-5 अगर आपने कोई पॉइंट बनाया तो उनमें से एक दो पॉइंट जरूर जाना चाहिए। देखिए मध्य प्रदेश में विद्यार्थी परिषद 2 भाग में डिवाइड, एक महाकौशल प्रांत, एक मध्य भारत है। महाकौशल प्रांत का अभी 1-2 घंटे पहले ही मैनिफेस्टो की घोषणा हुई है, और मध्य भारत प्रांत का 1-2 दिन में, कल शाम तक या परसों तक घोषणा हम कर देंगे, उसकी तैयारी अभी चल रही है। नहीं, पर क्या पॉइंट कुछ सोचे हो मन में कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, एजुकेशन की बात की है, छात्रों को लेकर क्या करने वाले हैं आप, क्या मुद्दे छात्रों के बीच में लेकर जाने हैं? जी देखो, एक तो गर्ल्स कॉमन रूम भी हमारा एक विषय है, उसके बाद में वाईफाई सुविधा कॉलेज के अंदर होनी चाहिए। कॉलेज के अंदर जैसे कि अपने को लगता है कि महापुरुषों की तस्वीरें कॉलेज के अंदर मिलती नहीं है, तो उससे जब मार्गदर्शन एक लगता है छात्रों को जाते हैं, तो जिस कॉलेज के नाम से है उस कॉलेज से कम उसका मार्गदर्शक महापुरुष की मूर्ति उस कॉलेज के अंदर होनी चाहिए। तो ऐसा महापुरुष की मूर्ति कॉलेज के अंदर सम्मान हो, बिल्कुल एकदम, पर लेकिन शिक्षा का गुणवत्ता में किस तरीके से सुधार हो, क्या क्या आपके सजेशन, क्या सुझाव आप चाहते हैं कि आप जिसको नेता चुनने वाले हैं क्या खूबियाँ और आपकी बात को किस तरीके से रखें, और अभी फिलहाल क्या दिक्कत है? देखो, जो भी महाविद्यालय में दिक्कत होती है, जब छात्र संघ चुनाव लंबे समय से नहीं हो रहे थे, तो एक जो महाविद्यालय प्रबंधन और छात्रों के बीच में जो एक वो होता है कड़ी, छात्र संघ चुनाव के माध्यम से छात्र नेता जो चुनकर आते हैं वो एक कड़ी के रूप में काम करते हैं और छात्रों की हर समस्याओं को प्रबंधन से सीधा करवाते हैं। क्या 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 समस्याएं वर्तमान में, क्या समस्याओं को फेस कर रहा है एक आम छात्र जो है, खासकर सरकारी कॉलेज में पढ़ने वाला, क्योंकि चुनाव वहीं पर होने हैं? पहली बात, मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी है, अतिथियों की भर्ती होती है अक्टूबर में, जिससे कोर्स पूरे छात्रों के नहीं हो पाते हैं, तो उसका भी प्रयास किया जाएगा। विद्यार्थी परिषद उसका प्रयास करेगी कि जुलाई में ही भर्ती हो, ताकि छात्र का कोर्स पूरा हो सके। बिल्कुल, शिक्षकों की कमी मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा, एक काफ़ी ज़्यादा मुद्दा है, और ना केवल छात्रों के बीच में बल्कि एक एजुकेशन में सुधार को लेकर एक सबसे बड़ा मुद्दा इसको माना जा सकता है, क्योंकि लंबे समय से ये मांग रही है मध्य प्रदेश में कि शिक्षकों की भर्ती की जाए। पर अगर बात करें यहाँ पर
मुद्दों को लेकर, एजुकेशन को लेकर, उसको लेकर एनएसयूआई क्या कुछ करने वाली है, और आपने कोई बिंदु अगर छात्रों को लेकर सोचा हो कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा समस्या है, किन किन चीज़ों को लेकर छात्रों को उठानी पड़ रही है, उसको लेकर क्या करने वाले? वर्तमान में मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में इस ईव टीजिंग की सबसे ज़्यादा समस्या है, जिसको लेकर के प्रदेश सरकार ने आज तक कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए हैं। आप जाइए महिला कॉलेजेस में जाइए जहाँ पे लड़कियाँ छेड़ी जाती हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जाता। अभी कुछ दिन पहले की बात है, नूतन कॉलेज में एक लड़की को छेड़ा गया था, उसने डायल 100 पे कॉल किया, डायल 100 से कम 25 से 30 मिनट बाद में डायल 100 आती है, उनसे पूछी जाती है। बड़ा मुद्दा ईव टीजिंग का, लड़कियाँ किस तरीके से कॉलेज के अंदर सुरक्षित हो, क्योंकि बात की जाती है महिलाओं को सुरक्षित रखने की, लड़कियों को सुरक्षित नहीं। पर लेकिन अगर विवेक बात करें, राजनीति की तमाम बातें हैं यहाँ पर लेकिन छात्रों के हितों को लेकर क्या वाकई में लगता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा का जो एक माहौल है छात्रों को मिलना चाहिए वो माहौल है, और उसको सुधारने को लेकर और क्या कुछ और होना चाहिए? जिस तरीके से मध्य प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता गिरती जा रही है, सरकारी जो कॉलेज हैं वो बदहाल अवस्था में हैं, और कहीं ना कहीं शिक्षकों की कमी को भी जूझ रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आज बच्चा प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ ज़्यादा भागता हुआ नज़र आता है, जो कि कहीं ना कहीं महंगा भी साबित होता है। तो सबसे पहले छात्र संगठनों को ये प्रयास करने चाहिए कि जो शिक्षकों की कमी है कॉलेज का, सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा उठाने वाले हैं? शिक्षकों की कमी, कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवस्थाएं, जो मूलभूत सुविधाएं, जो अधिकार है छात्रों का, वो उनको दिलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और छात्र संघ चुनाव के माध्यम से हम इस प्रयास में और मजबूती साथ सरकार से लड़ाई लड़ने के लिए तैयारी करेंगे। बिल्कुल अंकित, यही हम जानना चाहेंगे कि छात्रों के हितों को लेकर आपने क्या कुछ सोच के रखा है, और कौन से मुद्दे, जो प्रमुख दो चार अगर मुद्दों की बात किया तो किन मुद्दों के साथ एबीवीपी वोट मांगने छात्रों के बीच जाएगी? देखिए, मुद्दे तो विद्यार्थी परिषद के बहुत हैं, पर प्रमुख कुछ मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो एक तो ये स्कॉलरशिप का विषय, लोकल कैंपस की व्यवस्थाओं में सुधार, साफ सुथरा पानी मिलना, कॉमन रूम मिलना, सीसीटीवी लगना, पार्किंग होना, कैंपस का एटमॉस्फेयर अच्छा होना, उसके लिए परिसर में दीवार बनना, प्राध्यापकों की कमी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी लाइब्रेरी, जो ये मूलभूत बुनियादी मुद्दे हैं, इनको तो सरकार तुरंत सुनिश्चित करना चाहिए, और विद्यार्थी परिषद इन्हीं सब मुद्दों के साथ परिसर में जाकर छात्रों के बीच में वोट मांगे। ये तमाम मुद्दे हैं कॉलेज के अंदर, और क्या बेहतरी के लिए चाहते हैं बिल्कुल इन चुनावों के माध्यम से? और यही देखा गया है कि कॉलेजों में जो छात्र नीति से बच्चे 6 साल से चुनाव नहीं होते, तो बच्चे छात्र संघ चुनाव के बारे में जानते नहीं थे, तो रेगुलर चुनाव हो तो शायद अच्छा होगा आगे बच्चों के लिए, क्योंकि पिछले 6 सालों में पूरी व्यवस्था, बिल्कुल 6 साल में व्यवस्थाएं काफ़ी ज़्यादा चरमरा गई थी मध्य प्रदेश में। अगर बात किया तो खासकर कॉलेज प्रबंधन से संवाद को लेकर एक संवादहीनता जरूर बनी हुई थी, वहीं पर अगर बात करें नेतृत्व को लेकर तो छात्र राजनीति से जो नेतृत्व एक निकल कर आना चाहिए था, वो नेतृत्व भी कहीं ना कहीं उभर कर सामने नहीं आ पाया था। राजनेताएं राजनीति चाहते हैं, पर लेकिन छात्रों के बीच में राजनीति कतई मंजूर नहीं है, और शायद यही वजह है कि पुराने अनुभव के आधार पर जो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने की मांग थी उसको सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। पर लेकिन हम यही उम्मीद करेंगे कि 6 साल के बाद में मध्य प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने वाले हैं, राजनीति की इस नर्सरी से फलदार पेड़ निकल कर आए और प्रदेश को एक अच्छा नेतृत्व मिले। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।